किसनी क्षेत्र का रहने वाला एक परिवार अपने घायल पुत्री को गोद में उठाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और यहां उसने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है। पूरा मामला क्या है, आइए आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीर है जिला मुख्यालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। गोद में अपनी घायल बेटी को लिए दिखाई दे रहा यही वह पिता है जो न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा है। बता दें कि घायल बालिका की मां आशा देवी, पत्नी सुरेन सिंह जाटव, निवासी नगला देवी, थाना किसनी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है, जिसमें बताया है कि 21 फरवरी के दिन उसकी बकरी का बच्चा पड़ोसी रामपाल सिंह पुत्र बीरबल की छत पर चढ़ गया था, जिसे रामपाल सिंह के घर वालों ने बकरी के बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया। बकरी के बच्चे को काफी चोटें लग गई थी। इस बात को लेकर मामूली कहासुनी होने पर शाम के समय उक्त लोगों ने एकत्रित होकर उसके घर में घुसकर गालियां देते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सिर्फ महिला को ही नहीं बल्कि उसकी मासूम बेटी के साथ भी बुरी तरह मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी चौकी रामनगर जाकर दी, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और यहां की तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शिकायती पत्र देते हुए पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से और क्या कुछ कहा है, यह जरा आप भी सुनिए। आशा देवी जी, ये बेटी का क्या नाम है? क्या नाम है? अनामिका। इसको चोट कैसे लग गई? मारा है। किन लोगों ने मारा, किस बात से मारा? फौजी लड़के ने मारा। किस बात? मेरे बच्चा, बकरी का बच्चा चला गया, इसलिए। तो वहाँ पे चला गया था? उनके घर पे। फिर उन्होंने फेंक दिया, तो मैंने कहा तो मारने लगे, फिर मैं अंदर गई, अंदर भी मारने लगे, बेटी को भी मारने लगे, अंदर थी बेटी। कितनी चोट आई है? कितनी? बहुत चोट आई है, एक लाख। नहीं, अरे एक मिनट, थाने गए थे आप? थाने गए थे, उन्होंने फिर 2 घंटे पहले पहुंचे, उसके पास गाड़ी थी तो उन्होंने पैसे भर दिए, कुछ सुनवाई नहीं की उन लोगों ने। तो मेडिकल नहीं कराया था? ऐसे ही कराया था, मामूली लगता। अब आप क्या चाहते हैं? क्या आगे बढ़ाओ,